सूरा मेरे मज पम्मा डठण बिर मनी सिखा पधिंग समाधियानी बुद्धम। चीवर से सवाल, क्या चीवर से सवाल किया जा सकता है? क्या जिसने चीवर पहना है बिना चीवर वाला उससे सवाल कर सकता है? क्या धम्म के अंदर एक चीवरधारी जो व्यक्ति है, क्या बिना चीवरधारी व्यक्ति उससे सवाल कर सकता है? 100% कर सकता है, 200% कर सकता है। किसी भी भिक्कू से, किसी भी चीवरधारी से कोई भी सवाल किसी भी तरह का कर सकता है। चीवरधारी उसका जवाब दे या ना दे ये अलग बात है, पर सवाल का अधिकार पूरा है। ये बहुत पुरानी मान्यता रही है और कहीं भी इस तरह की कोई सवाल आज तक मैंने नहीं पढ़ा या कोई ऐसी बात मैंने नहीं पढ़ी या कोई ऐसी बात मैंने नहीं सुनी जबकि ऐसा कहा जाए कि एक चीवरधारी से कोई बिना चीवरधारी सवाल नहीं कर सकता है। वो चीवर के बारे में भी सवाल कर सकता है, भिक्कू के आचरण के बारे में सवाल कर सकता है, भिक्कुणी के आचरण के बारे में सवाल कर सकता है। भिक्कू और भिक्कुणी के जो विनय हैं, नियम हैं, जिन पे उनको चलना होता है, उसके बारे में सवाल कर सकता है। वो भिक्कू और भिक्कुणी के संघ के जितने पैमाने हैं, जितने नियम हैं, जितनी लिमिट्स हैं, उनके बारे में सवाल कर सकता है। वो भिक्कू और भिक्कुणी को याद दिला सकता है कि ये चीज़ नियम के विरुद्ध है या ये नियम के अनुकूल है, और 100% भिक्कू और भिक्कुणी को उसका जवाब देना चाहिए बिना इरिटेशन के, बिना गुस्सा किए हुए और बिना इस बात का अहंकार रखे हुए कि हम चीवर वाले हैं तो आप हमसे कैसे पूछ सकते हैं। कहीं भगवान बुद्ध ने मना नहीं किया कि कोई व्यक्ति साधारण है और वो किसी भिक्कू से उसकी जीवनचर्या के बारे में या उसके नियम के बारे में कोई सवाल नहीं कर सकता। ये इसलिए भी है क्योंकि बुद्ध ने अपने भिक्कू और भिक्कुणियों को सभी को परफेक्ट बनाया और ऐसा कोई गलती, ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी कि जिससे भिक्कू और भिक्कुणी डरें, और ऐसा कोई सवाल नहीं छोड़ा जो भिक्कू और भिक्कुणी जिसका जवाब ना दे सकें। जो शुद्ध होगा, जो शूद्र होगा, शुद्ध और शूद्र एक ही शब्द हैं, जो भिक्कू होगा, जो भिक्कुणी होगा, जो संत होगा यानी शांत होगा, जो जानकार होगा, वो व्यक्ति हर तरह के प्रश्न का जवाब देगा, चाहे आप बेशक उससे उसकी पर्सनल जानकारी लेना चाहें तो भी देगा। और ये भिक्कू और भिक्कुणी की और धम्म की खास विशेषता है। जिस दिन भिक्कू और भिक्कुणी किसी उपासक के, किसी उपासिका के, किसी साधारण व्यक्ति के, किसी साधारण महिला के, किसी साधारण सभा में या किसी खास सभा में या किसी खास व्यक्ति के किसी भी तरह के सवालों के जवाब नहीं देगा, आप समझ लीजिए कि भिक्कू और भिक्कुणी अभी अपरिपक्व हैं, पूरी तरह से पके नहीं हैं, पूरी तरह से धम्म पालना नहीं कर रहे हैं, इसलिए सवालों के बदले गुस्सा हो रहे हैं, सवालों से बच रहे हैं, या सवाल के जवाब में पिटती सवाल कर रहे हैं, या आपको कह रहे हैं आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप भिक्कू से पूछें, सिर्फ भिक्कू ही भिक्कू से पूछ सकता है, हम अपने संघ को अपना जवाब देंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब भिक्कू अपने संघ को जवाब दे, क्योंकि संघ को जवाब देना पाथी मोक्ष में और उपोसत में आता है, पर साधारण जो नियम है उनके सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और इसलिए भी देना पड़ेगा क्योंकि भिक्कू जो पिंड दान लेता है, जो पिंडपात करता है, जो पिंड चारिका करता है, पिंड बोलते हैं पिंडी को, लड्डू को, यानी खाने का जो लड्डू बनता था पहले, उसको खाना जो लेता है या जो सुविधा लेता है या चीवर लेता है, वो साधारण लोगों से लेता है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी और ज़्यादा हो जाती है कि वो अपने साधारण जो लोग हैं, जो उसके अनुयायी हैं, जो उसको मान्यता देते हैं, जो उसको भिक्कू या भिक्कुणी मानते हैं, उनकी बातों का सही जवाब दे। ये ठीक इस प्रकार है कि जो सच होता है उसको छुपाने के लिए कुछ नहीं है, और जो झूठ होता है उसको दिखाने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए एक साधारण व्यक्ति जितने चाहे उतने सवाल करे और सवाल के जवाब उसको मिलने चाहिए, और अगर नहीं मिलते हैं तो
तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो विनय के अनुरूप या विनय के अनुकूल नहीं चल रहा है। उस दोष को देखते हुए उस दोष को दूर करना चाहिए। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Thank you.